दोस्तों, भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा मामलों में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी है भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय लगता है। दोस्तों, एक सैनिक है जो मरने के बाद भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा के साथ कर रहा है। मरने के बाद भी वह सेना में कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति भी होती है। हैरान करने वाली यह दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था। इसके पश्चात 9 फरवरी 1966 में वह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। सन 1968 में वह पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 में खच्चरों का एक काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और उनकी खाड़ी में गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें दोस्तों कि खाड़ी के पानी का बहाव इतना तेज था कि वह उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। जब कुछ दिनों तक बाबा हरभजन सिंह अपने कैंप पर वापस नहीं आए तो भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। दोस्तों, वही वो दिन था जिस दिन बाबा हरभजन सिंह की आत्मा ने भारतीय सेना में दस्तक दी। उस रात बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अपने साथी सैनिक के सपने में आई। सपने में आने के पश्चात बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी उस सैनिक को दी, साथ ही अपने मृत शरीर के स्थान की जानकारी भी उस सैनिक के सपने में आकर दी। अगले दिन जब उस सैनिक ने अन्य सैनिकों को बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के बारे में बताया तो उसमें से कुछ सैनिकों ने यह बात सिरे से नकार दी, जबकि कुछ सैनिकों ने उस सैनिक की बात पर भरोसा करते हुए उस जगह जाने का फैसला किया। हम आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही वह लोग उस जगह पर पहुंचे जहां बाबा हरभजन सिंह ने अपने मृत शरीर के होने की बात कही थी, वह ये देखकर हैरान थे कि बाबा हरभजन सिंह का शव उसी जगह और उसी अवस्था में पाया गया है। इसके साथ ही बाबा हरभजन सिंह ने यह भी बताया था कि खाड़ी में गिरने की वजह से उनके पांव की हड्डी भी टूट चुकी थी, जो बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह बात साबित कर दी कि बाबा हरभजन सिंह के दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी है। दोस्तों, ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि एक सैनिक जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसकी आत्मा किसी दूसरे सैनिक के सपने में आकर अपने बारे में बताए, यह बात काफी हद तक अविश्वसनीय थी। लेकिन बाबा हरभजन सिंह की बताई हुई एक एक बात सत्य साबित हुई। हम आपको बता दें कि इसके कुछ दिनों के बाद बाबा हरभजन सिंह की आत्मा दोबारा से उसी सैनिक के सपने में आई और बाबा हरभजन सिंह ने सपने में आकर यह बोला कि वह आज भी अपने कार्य पर कार्यरत हैं। वह आज भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही बाबा हरभजन सिंह ने उनकी समाधि बनाने की भी बात की। रात को इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूंगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। दोस्तों, आज इस समाधि को बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। उनकी समाधि के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर पानी की बोतल को 21 दिनों तक रखा जाए तो उस पानी में ऐसे चमत्कारी गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे किसी भी घातक रोग का इलाज बड़ी सरलता से किया जा सकता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में आकर देते रहते हैं, जो हमेशा सत्य ही साबित हुई हैं। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना के पेरोल पर रखा गया है। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु को 48 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि कई बार चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा पर एक सफेद घोड़े पर एक आदमी को पहरा देते हुए देखा था। जब यह बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से इस बारे में बात करना उचित समझा। चीनी सैनिकों ने यह बोला कि रात में बेवक कोई एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आपकी तरफ से गश्त लगाता है। जब भारतीय सैनिकों को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमारी तरफ से कोई भी सैनिक उस समय ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं था। हम आपको बता दें दोस्तों कि अगले ही दिन बाबा हरभजन सिंह ने दोबारा से सपने में आकर यह बताया कि उनकी आत्मा ही घोड़े पर बैठकर भारतीय सीमा की मुस्तैदी व सुरक्षा करती है। सेना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर। तो वो हमने बोला कि हमारा आदमी तो कोई नहीं है,
लेकिन उन्होंने देखा कि रात को कोई घूमता है, जब घूमता है उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी कहना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूतों पर पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ के सैनिकों का कहना है कि अगले दिन साफ किए गए जूतों में कीचड़ व मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि बाबा के जूतों में जिस प्रकार की मिट्टी व कीचड़ पाई जाती है वह आसपास के इलाकों में कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर आप इसका परीक्षण करेंगे तो यह मालूम पड़ जाता है कि यह मिट्टी चीनी सीमा की है। जैसे सर रात को बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का, जब सुबह उठेंगे तो हमारे वो बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोत वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज करेंगे वो जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, खराब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर विश्वास रखते हैं और इसलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम पर खाली रखी जाती है ताकि बाबा हरभजन सिंह हर फ्लैग मीटिंग अटेंड कर सकें। सारे भारतीय सैनिकों की तरह हर महीने बाबा हरभजन सिंह को भी वेतन दिया जाता है व साल में 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है। हम आपको बता दें कि साल में छुट्टी देने के साथ साथ बाबा हरभजन सिंह को उनके गांव जाने वापस आने की टिकट भी दी जाती है। दोस्तों सेना के नियम के अनुसार उनकी पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। दोस्तों सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में उन्हें पहले से ही बता देती है। यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता तो बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों की नाराजगी के बारे में भी बता देती है। साथ ही चीन की तरफ से होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी पहले से ही वह भारतीय सैनिकों को भी दे देते हैं ताकि आपस में मिलजुल कर शांति के साथ समझौता किया जा सके। दोस्तों आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें लेकिन जूतों में पाई जाने वाली कीचड़, हर साल 2 महीने की छुट्टी, भारतीय सेना के द्वारा उनको वेतन देना, भारतीय सेना के द्वारा उनकी हर साल पदोन्नति भी करना और भारतीय सेना के द्वारा उनके गांव आने व जाने की टिकट प्रदान करना, सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सेना के द्वारा घोड़े पर बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को देखे जाना, हर फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी का खाली होना, दोस्तों यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इससे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा हरभजन सिंह की आत्मा वास्तव में अस्तित्व में है। बहरहाल ऐसे सैनिक और ऐसे वीर आदमी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं व सल्यूट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं